अब ये कपास कोई लेते के देखो देखो आइए पप्पू भाई आगे आइए शुरू करो आज से पप्पू भाई आगे कपास ले लो तुम हमारे बीच में मंजीत कॉटन वाले श्री पप्पू भाई हैं राजपाल सिंह जी 2000 क्विंटल का भाव बता दीजिए किसान को ये पता है कि इसका आउटटर्न क्या है बहुत कम किसानों को ये मालूम है चलो आप पप्पू भाई ने कहा कि 6500 देंगे क्या भाव चल रहा है बाजार में 6100 63 चल रहे पप्पू भाई आप नहीं सुनो इन्होंने पूरे गांव में मिलके ये वैरायटी लगाई है जरा अच्छा पालन पोषण किया है तो ये अगले साल ये नेगोशिएशन भी हो रहा है नहीं 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 सुनो अगले साल ये लोगों को जब तक इसमें से अलग कुछ नहीं सिर्फ कौन से बोलो अगर हमको कुछ सिखाना है कल तो हम सीखने के लिए तैयार है पैसे चाहिए हमको तो तुम ऐसा सीट दे दो नहीं पप्पू सेठ फिर एक बात ये सुनो नहीं नहीं हम आपने सही कहा है आपके जितने एक्सपर्ट हैं और उनका एनालाइज कर रहे हैं मैं आपको सारे नहीं सुनो और एक बात सुनो ये स्टेपल कम है मंजूर है मुझे आपको किस स्टेपल का चाहिए कौन सी वैरायटी चाहिए वो दीजिए वो लगा के देने के लिए तैयार है मैं आपको 29 29 ये 28 है अच्छा आओ साढ़े 28 mm मिलीमीटर की लेंथ इसकी बता रहे हैं हमारे एक्सपर्ट और इनकी रिक्वायरमेंट ये बता रहे हैं 29 मिलीमीटर की है अब गंगा और गंगा के किनारे में सिर्फ आधे मिलीमीटर की दे रहे हैं लेंथ जरूर कम है अगर तुम लेंथ तो हमने बताया रेगुलरिटी बहुत अच्छी है एकदम इसकी बढ़िया में बढ़िया रेगुलरिटी है और मैं ये रेगुलरिटी के साथ इतना दावा कर सकता हूँ कि रेगुलरिटी रेवे थोड़ा सा स्टेबल बढ़े तो हम प्रदेश इसका बड़ा प्रीमियम मिल सकता है थोड़ा सा स्टेबल और रेगुलरिटी यही मेंटेन करो और स्ट्रेंथ भी यही देखो इसमें क्या है बात क्या है कि बात ये है देखो ये गर्मी की सीजन आ गई मॉइस्चर चला गया है उसी लिए आधा कम आता है अच्छा उसका ये नेचुरल क्योंकि कॉटन में मॉइस्चर चला गया है तो उसका स्टेबल में फर्क पड़ता है चलो ठीक है ये अनजिन कॉटन है नहीं जिन किया हुआ इसको सीड कॉटन बोलते हैं ये जिन कॉटन है जिनिंग मशीन में से निकाला हुआ उसको लिड कॉटन बोलते हैं ये रुई है और ये कपास है हाँ तो आप सब लोगों को मैं एक विनती करना चाहता हूँ क्या किया अल्टीमेटली एक मिनट सुनो सर सब लोग सुनो सूरज भाई इस साल मैं आपको महाराष्ट्र के 50 गांव ऐसे दे सकता हूँ आप जो बोले वो कपास का सोइंग होगा आप जैसे बोले वैसे हम चुन के देने के लिए तैयार है आप जहां बोले वहां हम डिलीवरी देने के लिए तैयार है कोई हमारे साथ चर्चा करने के लिए तैयार 50 गांव का पूरा माल उठाने के लिए आज एग्रीमेंट करने का 50 गांव का पूरा माल उठाने का एग्रीमेंट आज आप वो सीट कौन सा देना चाहते हैं सुनो एक मिनट मेरी बात सुनो आप मेरी एफपीओ है आप इंडस्ट्री है ये किसान है हम तीनों मिलके तुमको क्या चाहिए मुझे क्या चाहिए सारी चर्चा अगर करेंगे तो ही स्ट्रक्चर इस देश में कंटामिनेशन लेस कॉटन देते हैं जिसमें कि अपने पिकिंग से लेके फैक्ट्री में लाने तक अगर विदाउट कंटामिनेशन की कॉटन देते हैं तो मैं 200 रुपये का उसका प्रीमियम दे सकता हूँ आज ही नंबर वन नंबर टू अगर एक टाइप की क्वालिटी 30 वाले में अगर लगाते हैं तो उसका अलग से 200 रुपये कुंटल का प्रीमियम मिल सकता है
ऐसा करके 400 से 500 रुपए कुंटल का प्रीमियम मिल सकता है, पर उसमें दो कंडीशन होना चाहिए, कंटामिनेशन लेस कॉटन होना चाहिए और सेकंड उसका तुम्हारा लेंथ 31 होना चाहिए। अगर वो 31 नहीं है और कंटामिनेशन है तो फिर आपको 200 रुपए तक का प्रीमियम देने की मैं गारंटी आज ही देता हूँ। आप राइटिंग में राइटिंग में बहुत ही भले 50 गांव हो, बड़ा स्टेटमेंट है आज। आज आपको इसकी वैल्यू समझनी चाहिए कि मंडी में रोज जिनर जाता है ना तो 50 रुपया एक मिनट 50 रुपया क्विंटल के लिए वो कड़ी धूप में 3 घंटे नेगोशिएट करता है 50 रुपया क्विंटल कम करने के लिए जिनर रोज एपीएमसी में जाके। आज पप्पू जी ने आज इतनी बड़ी बात बोल दी कि 200 रुपया प्रीमियम तो वो सिर्फ क्वालिटी का दे देंगे कि कंटामिनेशन मतलब कपास के फाइबर को छोड़ के कुछ भी नहीं आना चाहिए। मिट्टी और पानी कपास उगाने के लिए जरूरी है, उगने के बाद बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो अगर वो देता है किसान तो 200 रुपये का प्रीमियम पर क्विंटल और अगर 31 मिलीमीटर की लेंथ जो इस इंडस्ट्री की आज बड़ी रिक्वायरमेंट है वो देता है तो 200 रुपये का प्रीमियम। और सामने पाशा भाई ने ये बोला है कि 50 गांव का सीड आप डिसाइड कर लीजिए कौन सा सीड आपकी क्वालिटी का कॉटन देगा।